अगर आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, मास्टर भी आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लिया है, तब अगर आपके माइंड में आ रहा है कि पीएचडी करना चाहिए, तो आज मैं पीएचडी के बारे में आज के इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि पीएचडी को कैसे करें, कहाँ से करें, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, फीस कितनी होती है, पीएचडी करने के बेनिफिट्स क्या है। ये सारे ही टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आ जाते हैं कि पीएचडी क्या है। पीएचडी एक डिग्री कोर्स है। पीएचडी का पूरा नाम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है, तो ये तो शायद आप सभी जानते होंगे। इसके अलावा पीएचडी 5 से 6 साल तक में पूरा हो जाता है, और ये डिग्री लेने के बाद किसी भी स्टूडेंट के नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इसके बाद आप कॉलेज में प्रोफेसर या फिर लेक्चरर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी पे कि अगर पीएचडी करने जा रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात है कि किसी भी स्ट्रीम से आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी/एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा इन कैटेगरी वालों को यानी कि एससी/एसटी ओबीसी वालों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और ये जो क्राइटेरिया है ये मेल फीमेल दोनों के लिए एक जैसा है। तो चलिए एलिजिबिलिटी को तो हमने देख लिया, अब आ जाते हैं हम अपने एडमिशन प्रोसेस पर। तो पीएचडी में एडमिशन के दो तरीके हैं, एक तो एंट्रेंस के थ्रू और एक है नेट जीआरएफ। हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है पीएचडी में एडमिशन। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसे आपको क्लियर करना होगा, देन आपको एक इंटरव्यू देना होगा। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो वो है नेट जीआरएफ के थ्रू। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या पीएचडी करने के लिए नेट जरूरी है या नहीं, तो चलिए आपका ये डाउट भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए यूजीसी के जो नए रूल हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पर 60% सीटें नेट जीआरएफ पास कैंडिडेट के लिए रखती है, और जो 40% सीटें बचती हैं वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है उनके लिए रखती है। यदि आपने नेट जीआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम बता देती हूँ जिसके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो कौन से, आइए देखते हैं। यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, यूजीसी जीआरएफ, बीएचयूआरईटी, जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईआईटी जेम, टीआईएसएसआरईटी, इनके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको बता दूं कि कुछ यूनिवर्सिटी गेट एग्जाम के थ्रू भी डायरेक्ट एडमिशन देती है। अब एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें 50% क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके रीजनिंग के, और 50% आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, इंटरव्यू राउंड भी क्लियर कर लिया, सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको एक गाइड या फिर सुपरविजन के अंडर में पीएचडी करनी होती है। आपको गाइडलाइन कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होती है। इसमें आपको किसी एक सब्जेक्ट या फिर एक टॉपिक पर बहुत से डिटेल में स्टडी करनी होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है, आखिर में कहूँ तो एक थीसिस आपको तैयार करनी होती है जो बिल्कुल नई हो। थीसिस आपकी 75,000 शब्द से लेके 80,000 शब्दों तक होनी चाहिए। इसके बाद आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। अगर आपने जितने रिसर्च पेपर बनाए हैं अगर वो पब्लिश हो जाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी आधी पीएचडी तो यहीं हो गई। थीसिस इसलिए लिखी जाती है कि आपको नॉलेज तो मिलती ही है, आप अपनी नॉलेज को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ आपके काम से दुनिया और समाज का भी भला होता है। चलिए पीएचडी करने के जो कोर्सेज होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ह्यूमैनिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि आपने अपनी पढ़ाई उसी में कम्प्लीट की है, तो आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, पीएचडी इन ह्यूमैनिटी, पीएचडी इन ज्योग्राफी, पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन आर्ट्स, पीएचडी इन सोशल वर्क। अगर आप इंजीनियरिंग में आपने अपनी पढ़ाई की है तो पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। अगर आपने अपनी स्टडी बिजनेस एंड मैनेजमेंट में की है तो आप अपनी पीएचडी बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, पीएचडी इन मैनेजमेंट, पीएचडी इन कॉमर्स, पीएचडी इन मार्केटिंग, पीएचडी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपने अपनी पढ़ाई मेडिकल लाइन में की है तो आप पीएचडी इन फिजियोलॉजी में कर सकते हैं, पीएचडी इन पैरामेडिकल, पीएचडी इन रेडियोलॉजी, पीएचडी इन मेडिकल फिजिक्स, पीएचडी इन पैथोलॉजी, पीएचडी इन न्यूरोसाइंस। आपने जिस फील्ड में पढ़ाई की है उसी से रिलेटेड आप अपनी पीएचडी को स्टार्ट कर सकती हैं।
चलिए अब आ जाती है बात फीस की कि आखिर पीएचडी करने में फीस लगती कितनी है। इसके बारे में कई लोग ये सोचते हैं कि पीएचडी बहुत मुश्किल है, हायर लेवल की पढ़ाई है, इसकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पीएचडी करते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ट्राई करते हैं पीएचडी करने का, तो आपकी वन ईयर की फीस 20,000 से 25,000 रुपए ही होगी। इसके अलावा सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो पीएचडी करने के दौरान कम से कम 30,000 रुपए मंथ का आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ के खर्चे भी उठा सकते हैं। वहीं अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करूं तो वहां पर ईयरली कम से कम 1.5 से 2 लाख तो हो गए। आप अपनी कोशिश करिए कि गवर्नमेंट में ही आप अपना ट्राई करें पीएचडी करने का। तो पीएचडी करने के लिए कुछ अच्छे कॉलेज भी आपको बता देती हूँ, अगर आप इन सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसकी एक ब्रांच बॉम्बे में भी है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, ISI कोलकाता। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। अब पीएचडी करने के बेनिफिट्स क्या हैं? पीएचडी करने में जितनी मेहनत है इसका फल भी इतना ही मीठा है। भले ही आप पीएचडी करके एक लंबा समय तो बिताते ही हैं, लेकिन आपको नॉलेज कितनी होती है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फ्यूचर तो ब्राइट होता ही है, साथ ही साथ आपके साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। इसके अलावा आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर आपने नेट या फिर गेट क्लियर किया है तो पीएचडी करते हुए आपको एक अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है। आपके रिसर्च पेपर हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी छप सकते हैं, इससे आपको दुनिया भर में पहचान तो मिलेगी ही, आपके पास देश और विदेश में काम करने के मौके भी आ सकते हैं। आपके नाम के पहले डॉक्टर तो लगता ही है। इसके अलावा आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो बनते हैं। सो दोस्तों, पीएचडी से रिलेटेड मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ जानना है, कोई डाउट है, तो आप बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो आप अपना कोई भी डाउट अपने माइंड में ना रखें, इसे कमेंट में टाइप कर दीजिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं ये सब आप ही के लिए तो बनाते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक मिनट में आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने रिज्यूम पर जरूर फोकस करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जॉब के लिए। सो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो इसके लिए आप चाहें तो हमारी वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप इजीली अपना एक रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट लगे वेबसाइट से रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए, बाय बाय एंड हैव अ गुड लक।